नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और दोस्तों आज हम आए हैं मुंडा में मेट्रो स्टेशन के पास, हम कवर कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन में किसे वोट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बात करने की कोशिश करेंगे। और भाई साहब हैं हमारे पास, क्या या सर कौन जीत रहा है चुनाव में? जी चुनाव में तो इस टाइम यहाँ से आम आदमी बिजली पानी सब रखा है उन्होंने, करवाया है उन्होंने। जी हमारा 200 यूनिट फ्री बिजली, बाकी रिक्शे वालों की दिक्कत क्यों? दिक्कत होगी रिक्शे वाले, क्या दिक्कत है रिक्शे वालों की? सवारियाँ बैठती नहीं है, तो बैठती नहीं है हमारे रिक्शे के अंदर। कारण ये है जो ये बस फ्री करा रखी है, इसमें सारी डीटीसी बसें अंदर तो नहीं जाती ना, जैसे कॉलोनी के अंदर तो आप ही छोड़ के आओगे। तो सर कॉलोनी में वही है, सुबह शाम के चक्कर हैं। डीटीसी बसें तो कॉलोनियों में भी पहुंची, गलियों में तो हमारे तो कोई रूट नहीं है ना, हमारे तो कॉलोनी से बाहर आने का वो रूट है। अच्छा, उस पर तो कोई वो नहीं है ना, छोड़ के यहाँ पर मेट्रो के नीचे चला रहे हैं, अपन स्टैंड पे नहीं चलाते, बस जा रहे हैं यहाँ पे तो एग्जाम में चला रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स का जैसे एग्जाम सेंटर ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, यहाँ पे तो सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे 10-12 सेंटर है, तो उसी पे मैंशन करते हैं। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा एमसीडी देख रहे हो आप, ये भाजपा है, एमसीडी में भाजपा ही है। अच्छा नहीं, इन चुनावों में, इन चुनावों में ये तो विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा में तो ऑलरेडी केजरीवाल बैठे हुए हैं। बैठे तो है, वोट किसे कर रहे हैं इस बार? वोट उसी को करेंगे, केजरीवाल को। बिल्कुल, आपकी सवारियां भी गई और फिर भी वोट करेंगे? करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी बदौलत ही चल रही है। अगर बीजेपी आ गई तो हम कह रहे हैं कि इसको उठा के कबाड़े की दुकान में बेचना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं सर, किस सरकार आ रही है? भाई सरकार तो केजरीवाल की आ रही है, केजरीवाल की। कारण? कारण तो यही है, दोनों दमदार आदमी खड़े हैं यहाँ से। यहाँ से कौन? ये धर्मपाल जी है ना? धर्मपाल जी है। ओके, उन्होंने काम करवाए कुछ? नहीं, उनका तो फर्स्ट वो है। अच्छा पहला है, पहले कौन थे यहाँ से? पहले थे सुखबीर सिंह दलाल। सुखबीर सिंह दलाल आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से? वो आम आदमी से थे। आम आदमी से? हाँ। टिकट नहीं मिली इस बार? वो उनकी टिकट काट दी गई है। ओके, उधर टिकट इसलिए काट दी गई, ये हालत देखो, ये गांव की हालत है, गांव का एक मिनट, गांव का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया गया है, ये गांव की उपेक्षा हुई है, अनदेखी की गई है, ये गलत किया गया है ना? तो हम के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कोई भी बने, दोनों गांव के, गांव का सुधार हो, गांव की जो पहचान है उसको खत्म ना किया जाए। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, काफ़ी गंदा सिस्टम किया हुआ है, पानी की सप्लाई सही से नहीं है और जो कीचड़ यहां पे पूरा बसा हुआ है, इसकी वजह से जो अंकल जी है वो शिकायत कर रहे हैं। धन्यवाद अंकल जी टाइम देने के लिए। धन्यवाद। कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया, फाइन। किसकी सरकार आ रही है? एक मिनट, क्या कह रहे हो? किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। आनी चाहिए? आनी चाहिए बीजेपी की। कारण? सर देखो, बीजेपी ने बहुत सारे काम करे हैं, हम मोदी जी की सरकार को उठा करके देख लो, तो चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या राष्ट्रवाद के ऊपर भी जो भी बात हो, पाकिस्तान को देख लो कि पाकिस्तान आज कितने बैकफुट पे है, या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखो, वर्ल्ड लेवल पे अपनी देख लो कि अपनी इमेज, इंडिया की जो इमेज है वो किस लेवल पे जाइए। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार, आप यहीं से? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर जी। ओके, तो वहाँ का वोट है आपका? हाँ। ओके, केजरीवाल क्यों नहीं? सर केजरीवाल ने, आप एक चीज़ देखो कि मैं ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ या मैं एकदम स्वतंत्र, आप अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, केजरीवाल के नहीं आने का कारण ये है कि आप तो 4.5 साल 4 साल 6 महीने आप नहीं बोलते रहे कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। जब 3 महीने चुनाव के पहले आप आए तो आपने फ्री में सौगातें बांटने लगी, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, और ये फ्री से कब तक चलेगा काम? आप कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा हमें उठा के दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स पेयर्स जो हैं यहाँ के, उनके पैसे आप हमें बांट रहे हो, तो क्या फ़ायदा? उस पैसे को आप कहीं डेवलपमेंट में यूज़ करो, कहीं नई पुल बनाने में, नई रोड बनाने में, नई सड़कें बनाने में यूज़ करो, तो ज़्यादा कामयाब है ना वो। तो क्या लगता है आपको, दिल्ली में कितना काम करवाया है बीजेपी ने? सर दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, आप चाहे एम सी डी को उठा के देख लो, दिल्ली पुलिस उनके अंदर में, अब जो उनके अधिकार क्षेत्र में है उसमें तो उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है उसमें उन्होंने क्या, वो क्या कर सकते हैं? जी 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 जी, धन्यवाद जी टाइम देने के लिए। यहाँ भी हैं कुछ भाई साहब, कैसे हैं जी? बढ़िया बढ़िया सर। किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी, कारण? अच्छा करिए देश के लिए। सर आप यहीं मुंडका से हैं या फिर? इंद्रलोक। सर इंद्रलोक से। ओके, क्या काम करवाएं दिल्ली में?
सरकार ने सर देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, कानून बढ़िया बना रहे हैं सारा कुछ, तो दिल्ली भी अंदर ही आ जाएगी देश के, तो एक पर्सनल के लिए नहीं देखना ना, बेफड़ी नहीं चाहिए सर। और कांग्रेस? कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, केजरीवाल ने काम करवाए हैं? क्या करवाया सर, फ्री में कोई कुछ नहीं होता, मेरे पास 20,000 का मोबाइल ले रखा है, मेरे 10 रुपये की टिकट लिए कुछ नहीं होता मेरे, वो 10 रुपये की टिकट के लिए मैं मरूंगा भी नहीं, फ्री में नहीं चाहिए सर, पैसे लोग बढ़िया चाहिए, तो पानी दे रहा है तो अच्छा नहीं आ रहा पानी भी। ये जैसे यहाँ पे ये कर रखा है गंदा सिस्टम कर रखा है सारा कुछ, ये भी देखना चाहिए सर, गवर्नमेंट है मैं साफ सफाई के लिए अच्छा है तो करना चाहिए सर। सप्लाई का जैसे कि बता रहे हैं ध्यान नहीं रखा गया है, गंदा पानी आ रहा है सर, पानी गंदा आ रहा है बहुत गंदा। स्कूलों में जो करवाया केजरीवाल जी ने उसका सर कोई एक दो स्कूलों में करवा के क्या कर सकता है सर, फिर कुछ लोग करवाए मान लेता हूँ मैं, उन्होंने करवाया तो उनके बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं? आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी है उसने ऐसे क्या काम करवाए हैं जिनकी वजह से लोग उनको? सर 370 देश के लिए कलंक था बहुत बड़ा, हाँ। उसने साफ कर दिया सर, और राम मंदिर का इतने सालों से सब राजनीति हो रही थी वो खत्म कर दी। आप क्या कहते हैं? बीजेपी क्यों बस जी, एक तो 370 वाला सबसे बड़ा मुद्दा, एक राम मंदिर वाला, एक नागरिकता संशोधन वाला जो काम किया ना, जो 70 सालों से करना था, जो कांग्रेस ने करना था वो इसने किया। और ये जो धरने पे बैठे हैं लोग यहाँ पे, कौन सा गार्डन है ये यहाँ पे? शाहीन बाग, उठा देंगे सूट उठ जाना चाहिए सर, गलत है बिल्कुल, बहुत नजायज चीज है ये सर, ये उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, आप नहीं बैठे धरने पे, मैं नहीं बैठा, भाई साहब नहीं बैठे, ये सर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल। जो गोलीकांड हुआ है वहाँ पे सर, गोलीकांड तो बहुत गलत बात है, गोली नहीं चलानी चाहिए, वो भी आम अपनी जनता ही है, लेकिन ठीक है उनको माइंड चेंज किया गया, उनको बिठाया गया है। क्या नाम है आपका? भूप सोनी सर। भूप सोनी, आपका क्या नाम है? दीपक सोनी। धन्यवाद जी टाइम देने के लिए। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। किसकी सरकार ला रहे हैं सर? सरकार तो अभी 50-50 है। किनकी? 50-50 है, आप और बीजेपी में 50-50 है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जी बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को? कारण? कारण यह है कि जिस तरह से 5 साल में आप सरकार जो केजरीवाल जी थे जी, इन्होंने जो ये कुछ ऐसे काम किए हैं जो होने नहीं चाहिए, बेसिकली जैसे कि इन्होंने बसें फ्री कर दी हैं महिलाओं के लिए, अब इनसे पूछा जाए कि कितनी महिलाएं हैं जो बसों में सफ़र कर रही हैं, जो यहाँ पर डेली, मैं भी एक सर्विस मैन हूँ, जो सर्विस मैन जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ें हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो लोग मेरे ख्याल से 10% यूज़ करती होंगी बसों का, जहाँ मेट्रो में सफ़र करती हैं, तो उसका बेनिफिट कुल मिला के कहीं किसी को मिल नहीं रहा है। और दूसरा इससे जो लॉसेज हैं वो लॉसेज अननेसेसरी कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से भरपाई करेंगे, वो बिजली फ्री कर दी, ये फ्री कर दिया, कहाँ से जाएंगे, हमारी जो हम जॉब कर रहे हैं यहीं से ही पैसा निकलेगा, वही टैक्स लगेगा, वही पैसा निकलेगा, तो ये सब फ्री करने के बजाय लोगों को गंदी आदतें डालने के बजाय कुछ अच्छी आदतें डालें, कुछ ऐसा करें कि उनको कमाएं खाएं। ओके, मतलब फ्री वाली आदत जो है वो पसंद नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। और बीजेपी ने क्या क्या काम करवाए हैं यहाँ पे दिल्ली में? क्या काम करवाए जी? बीजेपी तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो काम क्या कराएगी? नहीं, सेंटर में जैसे कि काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना जो मोदी जी में, मोदी जी ने एक पुलिस विभाग है वो सारा उनके पास में है। हाँ जी, यही सारी चीजें हैं। मेरे हिसाब से जो सेंट्रल में इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, जो कॉलोनियाँ थी, जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ थी, उनको नियमित किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया है। ओके, और बाकी पुलिस के लिए मैं बोलूँगा कि पुलिस का जो रवैया है वो हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए, आज की पॉलिटिक्स क्या कह रही है, और वो पुलिस वाले भी कहीं जगह पर मजबूर हैं कुछ करने के लिए, जो पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम बने हैं उस हिसाब से पुलिस वाले भी कई जगह पर मजबूर हो गए। अभी कल परसों में जो गोलीकांड हुआ है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? जो गोली शाहीनबाग में गोली चला दी, देखिए इसको हम इस नज़रिए से ले सकते हैं, जो इस समय पे मीडिया के अंदर सभी जगहों पर जिस तरह से माहौल बना है, उस हिसाब से ऐसा नहीं कि सभी का दिमाग एक जैसा हो एक ही तरह का हो सकता है, कोई आदमी ऐसा हो जो अपने जज्बातों से ज़्यादा निकल गया है, मुझे लगता है वो कोई ऐसा जज्बाती व्यक्ति है जिसने ये काम किया है। ओके, हेलो मैम, किसकी सरकार ला रहे हैं? गवर्नमेंट तो बीजेपी की आनी चाहिए। क्या नाम मैडम आपका? भावना। भावना जी, क्यों
आनी चाहिए मुझे, क्योंकि देखो साढ़े चार साल में केजरीवाल ने वैसे कुछ नहीं किया जनता को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। अभी ये रोड बनवा रहे हैं, अभी इन्होंने बसेस फ्री कर दी हैं। बसेस फ्री करने का क्या फ़ायदा, दुनिया को समझना चाहिए ना कि मार्च तक होना है फ्री है, उसके बाद तो फिर पैसे लगने ही हैं। अब 5-10 रुपये में कम करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। वैसे भी मोस्टली लेडीज़ हैं वो मेट्रो के अंदर ही ट्रैवल करती हैं, मेट्रो के अंदर ही करती हैं। मेट्रो इन्होंने फ्री करना था वो अब तक नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने यहाँ पे क्या क्या काम करवाए हैं? बीजेपी ने नहीं करवाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा कर रही है तो उसका कोऑपरेशन यहाँ पक्का मिलेगा। अब जीरो सब कुछ करके पानी भी बिल नहीं कर रही है तो इससे क्या, इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ नहीं रही है, उल्टा वो थोड़ा सा लापरवाह होते जा रहे हैं। एसी चलता छोड़ दिया, पानी चलता छोड़ रहे हैं, बिना बाल्टी के गाड़ियों को नहला रहे हैं, बस ऐसे ही। तो इसलिए और केजरीवाल जी को वोट क्यों नहीं करें लोग? बस ये लुभावने वादे उन्होंने अब किए ना, पहले तो याद नहीं आया चार साल तक, तो पहले धरने भी बैठे रहते थे, आज ये कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं। एलजी ने सब कुछ रोक दिया, अब एलजी कुछ नहीं कह रहा उनको, अब सारे बिल पास हो रहे हैं उनके, एलजी साहब के। सही बात है, थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। हेलो मैम, नहीं बोलेंगे क्या? कैसे हैं? फाइन। क्लासेस थी? या ट्यूशन क्लासेस। ओके, किस कौन सी सरकार आ रही है इस बार? I'm not so sure, but like I think APJ, sorry that Jhadu wali party. Aam Aadmi party, yeah. Kejriwal ji ne kaam karwaye hain? Yeah, karwaye hain, but like itna dikhta nahi hai jitna karwaye hain. Nahi dikhta. Because is side, is taraf cross karke itna zyada landfill hai, itna zyada smell aati hai, pregnant, itni gandi, to wo wahan se unhone clean nahi karwaya hai. Aapka kya naam hai? Yashika. Yashika. Kaun si class mein hai aap? 9th. Vote to nahi bana hoga aapka? Nahi. I'm 15 years old. 15 years old. यहीं से हैं आप? Yeah. किस चीज में study कर रहे हैं? Science and maths basically. तो आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? Yeah, I want बीजेपी आए. मोदी जी ने क्या काम करवाए? Like not about मोदी जी, but जो यहाँ के आजाद सर हैं उन्होंने तो काफी काम करवाए हैं, roads बनवाई हैं, like उन्होंने काफी काम करवाए, तो I want him to come up. तो ये थी यशिका जी हमारे साथ में, यशिका जी हमारे साथ में, थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। और इसी तरह हम सर्वे करते रहेंगे और यंगस्टर्स का देखिए बहुत ओपिनियन मैटर करता है क्योंकि ये ही देश का फ्यूचर है और इन्हीं की जो है आगे इनको देश में आगे तरक्की करनी है, चलाने वाले यही हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जगह पे सर्वे करेंगे और वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लोग क्या कहते हैं। मिलते हैं नई जगह के साथ में और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।